आर यू? सब अच्छे हैं? वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर पढ़ेंगे। ठीक, ये आपकी कंप्यूटर की बुक है। नाउ टेक आउट योर कंप्यूटर बुक, चैप्टर नंबर 1। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, चैप्टर कंप्लीट किया था, चैप्टर पढ़ा था, सब समझाया था मैंने आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज फिल करेंगे, ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर का मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी इस वीडियो के साथ में, तो आप उसे फिर कॉपी में वर्क कर लीजिएगा। ठीक, पेज नंबर 5, चैप्टर नेम क्या है, कंप्यूटर और स्मार्ट मशीन। टेक द एक्टिविटी विच यू कैन डू ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पे हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं उसको हमें टिक करना है। फर्स्ट है आपका टाइप लेटर्स, तो हम लोग टाइप करते हैं लेटर्स, तो टाइप लेटर्स में हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। फिर है जॉग, जॉग तो हम करते नहीं है। उसके बाद बुक टिकट्स, बुक करते हैं, टिकट्स हम लोग करते हैं, हम लोग को कहीं जाना होता तो टिकट्स बुक करते हैं। ठीक, तो किससे करते हैं हम लोग, कंप्यूटर से करते हैं। बुक टिकट्स पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है वॉक, वॉक हम करते नहीं है कंप्यूटर पे, जंप भी नहीं करते हैं। लास्ट है प्रिंट बिल्स, बिल्स निकालते हैं हम लोग। प्रिंट बिल्स इस पर टिक कर देंगे। ठीक, ये एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो गई। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 6। अब इसमें पूछा गया है विच फीचर्स बिलोंग टू हूम, मतलब कौन सा फीचर किससे बिलोंग करता है। राइट द लेटर सी फॉर कंप्यूटर एंड द लेटर एम फॉर मैन। ठीक है, कंप्यूटर के लिए हमें सी यूज करना है और मैन के लिए एम यूज करना है। नेवर मेक मिस्टेक्स, कौन मिस्टेक्स नहीं करता है, कंप्यूटर। तो नंबर 1 पे हम लोग क्या लिख देंगे, कंप्यूटर। नंबर 2 है कैन फॉरगेट, क्या होगा यहाँ पर, मैन। मैन फॉरगेट हो जाता है ना, कोई भी चीज़ हमें हमेशा याद नहीं रहती है, यहाँ पे एम हो जाएगा। नेवर गेट टायर्ड, मतलब कंप्यूटर कभी टायर्ड नहीं, हम तो थक जाते हैं थोड़ा सा काम करके, यहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर। नेक्स्ट है कैन टेक डिसीजन ऑन हिज ओन, मतलब हम लोग अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, कंप्यूटर को तो हम इंस्ट्रक्ट करेंगे तब बोलेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, मैन। फोर्थ नंबर पे एम, एंड फिफ्थ है नीड इंस्ट्रक्शन टू वर्क, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिफ्थ नंबर पर सी हो जाएगा। नाउ ओपन पेज नंबर 9। अब ये एक्सरसाइज हम लोग फिल करेंगे, सबको दिख रहा है, गुड। नंबर ए है टिक द करेक्ट ऑप्शन, अब हमें करेक्ट ऑप्शन पे क्या करना है, टिक करना है। नंबर 1 है अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ, क्या आएगा उसके आगे, इंफॉर्मेशन। देखिए आपके ऑप्शन में इंफॉर्मेशन दे रखा है, फर्स्ट नंबर पे दे रखा है डाटा, सेकंड पे दे रखा है इंफॉर्मेशन, एंड थर्ड पे दे रखा है फाइल्स। तो हम लोग क्या किस पे टिक करेंगे और लिखेंगे, इंफॉर्मेशन, बी वाला। बी आपका क्या दे रखा है, नंबर 1, नंबर 1 का बी ऑप्शन आपको टिक करना है और लिखना है। ठीक, इंफॉर्मेशन इस पर टिक कर देंगे और यहाँ पर इसको लिख देंगे। सेकेंड पूछा है आर डैश कंप्यूटर इज कैप ऑन डैश, डेस्क पे कौन सा कंप्यूटर हम लोग रखते हैं, डेस्कटॉप। आपके ऑप्शन में दे रखा है ए पे है डेस्कटॉप, बी पे है लैपटॉप एंड सी पे है पाम टॉप, मतलब ए वाला। तो सेकेंड का कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला, डेस्क टॉप। ठीक, थर्ड नंबर पे है आर डैश इज स्मॉलर देन अ डेस्कटॉप, आर डेस्कटॉप से छोटा क्या होता है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं पाम टॉप, लैपटॉप एंड सी है बोथ ए एंड बी, तो दोनों ही छोटे होते हैं, तो इसका कौन सा राइट होगा, थर्ड का आपका सी राइट होगा, ए एंड बी।
बोथ ए एंड बी, ठीक है। फोर्थ वन इज, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर पे क्या है आपका, अ कंप्यूटर इज आर डैश मशीन। अब कंप्यूटर क्या है, अब इसके लिए ऑप्शन दे रहे हैं कॉस्टली स्मार्ट बैड। तो क्या है कंप्यूटर, स्मार्ट मशीन है, ठीक, मतलब बी वाला जो आपका ऑप्शन दे रखा है। तो फोर्थ का आपका क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, ठीक, स्मार्ट। इस पर टिक करेंगे और इसको जो ब्लैंक दे रखा है उस पर लिखेंगे। अब बी क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स, ठीक, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको करने हैं। इसमें पांच फिलिंग द ब्लैंक्स हैं आपके और उसके ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। फर्स्ट है अ मैन के टेक हिज ओन, क्या आएगा, डिसीजन, क्या आएगा, डिसीजन। बी पे नंबर वन का होगा, क्या होगा, डिसीजन, ठीक, एस आई ओ एन, डिसीजंस। नेक्स्ट है सेकंड, अ कंप्यूटर इज अ गुड सोर्स ऑफ डैश फॉर चिल्ड्रन, मतलब एंटरटेनमेंट। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, इंटर एंटरटेनमेंट, एंड थर्ड इज अ कंप्यूटर कैन वर्क इन एन ऑटोमेटिक वे। थर्ड पे हम लोग क्या फील करेंगे, ऑटोमेटिक, ए यू टी ओ एम ए टी आई सी, ऑटोमेटिक। फोर्थ है मैन कैन मेक मिस्टेक्स, हमसे गलतियाँ होती हैं। फोर्थ नंबर पे हम लोग भरेंगे मिस्टेक्स, मिस्टेक्स। इसके बाद है लास्ट है अ मैन डज नॉट नीड डैश टू डू एनी वर्क, मतलब ऑर्डर, हमें ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। फिफ्थ है ऑर्डर्स, ठीक, ये आपके क्या हो गए, ये फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए आपके। अब सी है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू के लिए हम लोग को टी लिखना है और फॉल्स के लिए एफ लिखना है। नंबर वन है अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म वर्क इन एन ऑटोमेटिक वे, तो ये क्या हो गया, ट्रू। ट्रू के लिए हमें क्या लिखेंगे, सी पे है सी का नंबर वन, ट्रू के लिए टी। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, कंप्यूटर अपना वर्क खुद नहीं कर सकते ना, हमें उसे कमांड देना पड़ता है, तो सेकंड का फॉल्स। ट्रू होगा बेटा ये, अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, ट्रू। एंड थर्ड है वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन अ कंप्यूटर में इफेक्ट द आई साइट, ये क्या हो गया आपका, ज़्यादा देर तक हम कंप्यूटर पे काम करेंगे तो क्या हो गया, हमारी आई साइट वीक हो जाएंगी। फोर्थ है अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन फ्यूल, ठीक है, वो फ्यूल पे वर्क करते हैं, इसके लिए क्या होगा, फॉल्स। फिफ्थ वन इज वी कैन कैरी डेस्कटॉप कंप्यूटर विथ अस, हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर को अपने साथ लेके घूम सकते हैं, नहीं घूम सकते हैं। फिफ्थ वन इज फॉल्स, क्लियर। नाउ टर्न द पेज, अब है आपकी डी वाली एक्सरसाइज। क्या लिखा है इसमें, रीड इस सेंटेंस गिवेन बिलो, जो नीचे सेंटेंस दे रखे हैं उनको आपको पढ़ना है। सर्कल द लेटर इन कॉलम इफ द सेंटेंस इज ट्रू, ठीक है, अगर ट्रू है तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो थंब ऐसे बना ऊपर उसके उस पर सर्कल करना है, और सर्कल द लेटर इन डाउन कॉलम इन द सेंटेंस इज फॉल्स, ठीक, अगर वो फॉल्स है तो हमें नीचे की तरफ करना है।
वी कैन डू होमवर्क विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, राइट है? तो इसमें दो ऑप्शन आपके दे रखे हैं, W और G। तो W पहले दे रखा है ना, जो W दे रखा है उसके ऊपर हम सर्कल कर देंगे। ये किसका है आपका? D का फर्स्ट है। उसके बाद है सेकेंड, अ कंप्यूटर कैन प्ले फुटबॉल विथ अस, नहीं फुटबॉल हमारा नहीं प्ले कर सकते ना उस पर। उसके बाद सेकेंड के लिए हम लोग E दे रखा है, E है उस पर हम सर्कल करेंगे। थर्ड है, वी कैन यूज अ कंप्यूटर टू प्ले गेम्स, राइट है? तो एल। फोर्थ है, अ कंप्यूटर कैन बेक अ केक, नो कंप्यूटर में हम लोग केक बेक नहीं कर सकते हैं। क्या ऑप्शन आ रखा है आपका? एल दे रखा है, उस पर हम सर्कल कर देंगे। फिर है, वी कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर के हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं, यस। डी बना हुआ है आपका, डी पे हम सर्कल कर देंगे। उसके बाद है, कंप्यूटर कैन विश यू गुड मॉर्निंग, नो कंप्यूटर हमें गुड मॉर्निंग तो नहीं विश करता है। ओ बना है, ओ पे हम सर्कल कर देंगे। अ कंप्यूटर कैन ईट फूड लाइक अस, नो। सेवन नंबर पे भी एन है आपका, एन पे सर्कल कर देंगे। एंड एट है, वी कैन यूज अ कंप्यूटर टू वॉच मूवी, मूवी देख सकते हैं हम कंप्यूटर पे, यस। ई बना है आपका, उस पर हम सर्कल कर देंगे। ठीक, अब इससे हमारा वर्ड बनेगा, इससे हमारा क्या वर्ड बनेगा? राइट द लेटर यू हैव द सर्कल, जो सर्कल हमने किया उससे एक वर्ड बना है। कैसे? ये देखिए, वेल वेल डन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक, ये आपका एक न्यू वर्ड बन गया। इसके बाद है लर्न विथ फन, ए है राइट डाउन द नेम ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड कलर देम। अब आपका ये बेटा देखिए, दो पिक्चर्स बनी हुई हैं, इन दोनों के नेम लिखने हैं और आपको कलर करना है। फर्स्ट क्या है? डेस्कटॉप, एंड सेकेंड वन इज लैपटॉप। इसके बाद है बी क्वेश्चन, हेल्प देम ए एंड टीम, हेल्प टीम ए एंड टीम बी टू राइट द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द करेक्ट क्लाउड। ठीक है, इसमें आपको करेक्ट एक्टिविटी फिल करनी है। ठीक, थिंग्स फॉर विच यू डू नॉट नीड अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के हमें यूज की जरूरत नहीं पड़ती है, किसमें? राइड अ बाईसाइकिल, प्ले फुटबॉल। ठीक, बी है, ये आ गई आपकी टीम बी। टीम बी में हम क्या भरेंगे? राइड अ बाइसाइकल, प्ले फुटबॉल। एंड ए में हम क्या भरेंगे? डू होमवर्क एंड वॉच मूवी। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? इसके आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। नाउ थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।